हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहेब रजा। मैं आप लोगों का सेफ्टी ऑफिसर हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे करेन सेफ्टी के बारे में और हजार्ड और कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले करेन से लिफ्टिंग करने से पहले लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए और वर्क के परमिट होना चाहिए, ठीक है? तो आइए हम लोग जानते हैं करेन हजार्ड के बारे में। तो पहला हजार्ड है कॉन्टैक्ट विथ पावर लाइन, दूसरा हजार्ड है ओवरटोन, तीसरा हजार है फॉल, चौथा हजार है मैकेनिकल फेलियर, पांचवा हजार है स्ट्रोक बाई। तो अब हम जानेंगे कंट्रोल के बारे में, इसे कंट्रोल कैसे करें। तो पहला हजार है कांटेक्ट विथ पावर लाइन। तो हम लोग करेन से लिफ्टिंग करेंगे तो वहाँ पर कोई भी ओवर हेड पावर लाइन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे क्रेन ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्रेन डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। तो इन सब खतरों से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग मेन सप्लाई को बंद करेंगे और उस रूट को चेंज करेंगे। अगर संभव नहीं है तो 10 फीट का डिस्टेंस बनाकर रखेंगे और गोल पोस्ट का यूज करेंगे और वार्निंग पोस्टर वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है? और दूसरा हजार है ओवरटर्न, मतलब क्रेन पलट जाना, कोलैप्स हो जाना। तो हम लोग जहाँ पर क्रेन से लिफ्टिंग करेंगे वहाँ का ग्राउंड समतल होना चाहिए, ठोस होना चाहिए और सोल बोर्ड और बेस प्लेट पे होना चाहिए। और क्रेन का एक कैपेसिटी होता है लोड उठाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए क्रेन का कैपेसिटी है 1 टन लोड उठाने के लिए और वह 2 टन उठा रहा है लोड, तो ओवरलोडिंग होने की वजह से क्रेन पलट सकता है। तो इसलिए हम जब भी क्रेन से लिफ्टिंग करेंगे तो लोड रेटिंग चार्ट को देखकर ही करेंगे। और क्रेन में यह डिवाइस होनी चाहिए, ऑटोमेटिक सेफ लोड इंडिकेटर, ताकि ज़्यादा लोड ना उठाए, जितना है उसका कैपेसिटी है उतना ही लोड उठाए, ठीक है? और तीसरा हजार है फॉल। तो हम लोग क्रेन से लिफ्टिंग करते हैं तो सारा लोड हमारे वायर रोप और स्लिंग रोप पर होता है, तो इन दोनों का भी एक कैपेसिटी होता है लोड उठाने के लिए। तो उस पर लेबल लगा होगा, उस पर टैग टैग लगा होगा, उस पर लिखा होगा कि इसका लोड रेटिंग कितना है, ठीक है? तो हम उतना ही लोड उठाएंगे, उससे ज़्यादा उठाएंगे तो फॉल हो सकता है। और जो वायर रोप है उसे चेक कर लेंगे, एक मशीन आता है जिसका नाम है डिटेक्टर मशीन, उससे हम चेक कर लेंगे कि कहीं डैमेज तो नहीं है वायर रोप, नहीं तो इससे भी फॉल हो सकता है। और जो क्रेन का जो हुक है उसमें चाबी होना चाहिए, की होना चाहिए, नहीं तो मटेरियल लोडिंग करते समय उसमें से निकल सकता है, तो फॉल हो सकता है। और हम लोग क्रेन से लिफ्टिंग करेंगे तो मटेरियल लोड करेंगे तो स्पीड में नहीं लेकर जाएंगे, नहीं तो उससे भी फॉल हो सकता है, ठीक है? और चौथा हजार है मैकेनिकल फेलियर, मतलब क्रेन का कोई पार्ट खराब हो जाना, जैसे कि नॉट बोल्ट लूज हो जाना, ब्रेक फेल हो जाना, एयर प्रेशर लीक हो जाना, क्रेन का हुक डैमेज हो जाना, ये सब मैकेनिकल फेलियर्स हैं। तो ये सारे क्रेन का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्रेन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्रेन का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, क्रेन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और क्रेन का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है? और पांचवा हजार है स्ट्रोक बाई। हम लोग क्रेन से लिफ्टिंग करेंगे तो क्रेन का जो बूम है वहाँ तक का एरिया बैरिकेशन होना चाहिए और वहाँ पर मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए टैग लाइन होना चाहिए और वहाँ पर हैंड सिग्नल मैन होना चाहिए और क्रेन ऑपरेटर का यह सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ऑपरेटर का ड्राइविंग लाइसेंस, ऑपरेटर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ऑपरेटर का फिटनेस सर्टिफिकेट, ऑपरेटर कॉम्पिटेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग सुरक्षा से काम करेंगे। थैंक यू।